हाय मामा, तुमको क्या मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करने में? हाँ देखिए अभी ना वो पूरा खुद ही ऑटोमेटिक टर्न कर जाती है और फिर सीधा भी हो जाती है, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है आजकल। मतलब बार बार ना वो करके दिखा रही है ये चीज़ हम सबको कि देखो देखो मुझे कितना सब कुछ आने लगा है। बातें हम लोग कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे, वो खुद ही पलट गई उस साइड में, पलट के फिर वापस सीधा हो गई, फिर पलट गई, फिर वापस सीधा हो गई, फिर पलट गई अभी। उसको बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। कोई कोई कोई, देखिए 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 मामा मामा, थोड़ा चेहरा तो दिखा दो मामा। की अच्छे गले की अच्छे मामा। देखिए कितना ऊंचाई तक आजकल ना वो सर उठा पा रही है और बैलेंस करके उसको होल्ड करके भी रख पा रही है, ये एक अच्छी साइन है। एक एक करके सारे माइलस्टोन वो क्रॉस कर रही है गाइस। की अच्छे हैं, यही सारे मोमेंट्स ना मेरे व्लॉग के थ्रू हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी बन के रह जाएगा ना मेरे यूट्यूब चैनल पे। जब मामा बड़ी हो जाएगी ये सारी चीज़ वो देखेगी और खुद हंसेगी कि मम्मी मैं क्या करती थी बचपन में। मामा मामा की कच्चो, तुम्हें की कच्चो कोशिश जारी है। देखिए ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके तो नहीं रख पा रही है ना वो, तो जितना टाइम भी होल्ड कर पा रही है उसके बाद उसका सर जो है वो नीचे मतलब बेड पे पटक जा रहा है, उसके बावजूद भी दोबारा वो कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते करते ही एक दिन वो एकदम प्रो बन जाएगी। क्या बोल रही है, देखिए क्या बोल रही हो मम्मा, क्या बोल रही हो, उसका बेड कहाँ पे है? यहाँ पे उसका बेड लगाया और वो कहाँ पे सो रही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। बाय द वे टाइम अभी हो रही है शाम के 4:30 ऑलमोस्ट, और ढेर सारे कपड़ा धोना हुआ था सुबह के टाइम से, जो कि बाहर मैंने डाल तो दिया था, स्टैंड से ही बाहर डाल दिया था, क्योंकि आज सुबह से थोड़ी बहुत अच्छी खासी मतलब धूप तो नहीं बट बहुत अच्छा हवा चल रहा था और वेदर भी इतना चिल नहीं था, जिस वजह से सारे कपड़े सूख तो गए हैं, थोड़ा थोड़ा बेडशीट वगैरह और गीला है। तो अभी मैंने स्टैंड को डाल दिया है रूम के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, शॉर्ट ट्रिप काइंड ऑफ बोल सकते हो। देखिए बाहर क्या मस्त वेदर है आज ना, क्लाउड तो इतना ज़्यादा है नहीं और बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। हाय हाय, क्या ही बोलूँ, वाओ क्या हवा चल रही है गाइस। अभी फिलहाल थोड़ा सा फटाफट रेडी मतलब पैकिंग कर लेते हैं कपड़ा वगैरह, और सच बोलूँ तो रेडी होने का इतना कुछ है नहीं, मैंने बस एक सिंपल सा टॉप डाली है और घर का जो पाजामा है वो मैंने पहन ली है, और बस चप्पल पहन के ही चली जाऊँगी मैं। कहाँ पे जा रहे हैं बताऊँगी मैं आप लोगों को। पेड़ पौधे में सब कुछ सौरभ ने सुबह सुबह पानी वगैरह डाल दिया है, क्योंकि आज हम लोग रिटर्न नहीं आएंगे घर, वहीं पे ही नाइट स्टे करने वाले हैं, कल रिटर्न आएंगे। तो चलिए फटाफट से मामा का डायपर बैग हम लोग पैक कर लेते हैं, फिर हमारा भी कुछ सामान पैक करना है, वो पैक करके फिर निकलते हैं। ये देखिए ये है मामा का डायपर बैग। मैं इससे पहले व्लॉग में बता रही थी ना कि तोमली और अभिषेक भैया ने मामा को एक डायपर बैग और साथ में एक ड्रेस गिफ्ट किया है, तो ड्रेस तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया था, और ये है मामा का डायपर बैग, बहुत सुंदर है गाइज, और इसमें ना बहुत सारा जगह भी है अंदर। ये देखिए मैंने तो अभी फ़िलहाल बैग ऑलमोस्ट पैक कर लिया है, यहाँ पे मामा का कुछ कैथा वगैरह लिया है और ऑयल क्लॉथ है, यहाँ पे कुछ पहनने वाले उसके कपड़े हैं, नाइट वेयर और भी कुछ कपड़े, हैंकी है, उसका जो काजल लौता है यानी काजल जिसमें रहता है वो ले लिया है, साथ में क्रीम वगैरह सब कुछ है, टिश्यू है, डायपर है, मतलब हर एक चीज़ के लिए ना अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है। ये देखिए साइड पॉकेट्स वगैरह है, यहाँ पे आप दूध का बॉटल वगैरह सब कुछ रख सकते हो, पानी का बॉटल भी रख सकते हो, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे भी छोटे छोटे सामान जो है ना वो आप लोग रख सकते हैं। ये देखिए सब अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो देखिए इतना सारा सामान मैंने ले लिया है, अभी भी कितना जगह है, तो मैं मामा का ये राय का पिलो भी इसमें ही ले लूँगी और मामा के कुछ टॉयज़ वगैरह भी ले लूँगी। ये देखिए ये है एक टॉय झुनझुनी जिसको बोलते हैं ना हम लोग बंगाली में रैटल, और ये है एक तोता, ये शर्मिता के पापा ने गिफ्ट किया है मामा को, इसमें से ना आवाज़ भी आती है। और मामा के हाथ में जो और एक रैटल है ये भी शर्मिता के पापा ने दिया है, वो लोग एक दिन आए थे हमारे घर पे डिनर पे उस टाइम पे। कीरे मामा कीरे उसको ये तोता बहुत पसंद, बहुत खेलती है इसके साथ, तो इसको भी पैक कर लूँगी, ये भी लेके जाऊँगी साथ में। हमारा वाटर प्यूरीफायर हो गया है फिर से ख़राब, एक महीने भी नहीं हुआ इसको सर्विसिंग किए हुए, फिर से ये काम नहीं कर रहा है,
तो सौरभ ने कंप्लेन रेस किया था फिर से अर्बन कंपनी में, तो उन लोगों ने बोला कि मतलब उस टाइम पे जब फिटिंग किया था सारे फिल्टर वगैरह, उस टाइम पे उन लोगों ने बोला कि नहीं वारंटी है। अभी बोल रहे हैं कि नहीं दूसरा सामान खराब हुआ है उसके लिए वारंटी नहीं है, फिर से अभी 3,500 का धक्का लगने वाला है। तो सौरभ ने बोला कि छोड़ दो, अभी तो दोबारा सैलरी आने के बाद ही ये रिपेयर करेंगे, तो अभी हम लोग फिर से ये ड्रम वाला पानी खरीद के ही पी रहे हैं, क्या ही करें। एनीवेज चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बहन के फ्लैट में। यस, मैंने कुछ ब्लॉग पहले आप लोगों को बताई थी ना कि मेरी बहन पहले तो हॉस्टल में रहा करती थी, एक साल उसने हॉस्टल में ही रहा कॉलेज के हॉस्टल में, उसके बाद फिर उसने एक रूम लिया है 1 BHK उसके कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही। तो हम लोग तो बीच बीच में आना जाना करते ही रहते हैं वहाँ पे, जब भी उसका टाइम नहीं मिलता है ना यहाँ पे आने के लिए, तो एक दिन का अगर हमारा छुट्टी होता है तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे, एक दिन रह के आते हैं, कभी कभी तो सेम डे जाके सेम डे वापस भी आ जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग नाइट स्टे करते हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है। उसका घर ना बहुत पीसफुल है, मैं जाऊँगी ना आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी, तो इससे पहले जितने बार मैं उसके घर पर गई हूँ एक बार भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाई, तो आज सोचा कि क्यों ना वहाँ पर चलेंगे, तो आप लोगों को भी सब कुछ शेयर करेंगे कि बहन कहाँ पर रहती है, क्या कैसा जगह है, कैसा उसका रूम है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए कैसे रूम होना ज़रूरी है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो उसके वहाँ पर जाने के लिए ही इतना तामझाम, बैग वगैरह सब कुछ पैक करना पड़ा। देखिए हमारा तो कुछ नहीं है, मैंने तो बस ये एक जोड़ी पहन ली है और एक जोड़ी मैंने ले ली है, सौरभ का भी सेम एक जोड़ी पहन के जा रहा है और एक जोड़ी उसका ले लिया है, और मामम का ही मेन जो सामान है ना वो मामम का ही है, वही एक मतलब मुश्किल की बात है क्योंकि उसका हर एक सामान देख देख के अच्छे से याद कर करके लेना पड़ता है कि ये अगर भूल जाऊँगी वो अगर भूल जाऊँगी, दवाई वगैरह, दवाई उस टाइम पर पैक करना भूल गई थी, बाद में सौरभ ने मुझे याद दिलाया कि अरे तुमने तो दवाई नहीं लिया, तो विटामिन का दवाई है, कॉलिक का दवाई है और पैरासीटामोल फॉर सेफ्टी पर्पज़, तो वो भी मैंने ले लिया है, तीनों दवाई ले लिया है, एंड यस मेरा थायराइड का दवाई और मेरा जो आयरन कैल्शियम का जो मेरा रेगुलर का है वो तो है ही, तो इतना सारा दवाई वगैरह एंड मोमेंट में मैंने पैक किया। ये देखिए मामा भी यहाँ पे रेडी हो गई है, आज उसको एक लाल कलर का ये वाला फ्रॉक पहना ही है, और मामा देखिए दोपहर को नहाने के बाद जो पैंट और टॉप उसने पहनी थी उसी पैंट के ऊपर ही मैंने ये वाला फ्रॉक डाल दिया है, बस टॉप उसका निकाल दिया है। तो ये वाला रैटल जो है ना ये हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं, उसका नया वाला रैटल जो है वो लेके जा रहे हैं। मामा एकदम आज लाले लाले स्टोरी बन गई है। मज़ा आ रहा है मामा? ओ मामा छोड़िए उसको, वो ऐसे खेलती रहती है। ये देखिए सौरभ को यहाँ पे बैग वगैरह लेके एक्चुअली बहन के वहाँ पे ना तकिया का थोड़ा सा कमी है, तो जब भी हम लोग जाते हैं ना तो तकिया वगैरह लेके जाते हैं क्योंकि बहन के पास एक ही बस तकिया है जो वो यूज़ करती है, तो यहाँ पे हमारा दो तकिया और मामा का एक राय का पिलो तो मैंने हमारे डायपर बैग में ही ले लिया है, तो ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है उसके घर पर, क्या ही करूँ बेचारी बैचलर है, उसके पास जितना है उसका तो दिन गुजारा हो जाता है, हम लोग जब जाते हैं तो जिम्मेदारी से तकिया लेके जाते हैं। एक सच बात बोलूँ आप लोगों को, यूजुअली ना ये मेरा थोड़ा सा मतलब है साइकोलॉजिकली आप बोल सकते हो, कहीं पे भी अगर मैं जाती हूँ ना किसी और के घर तो वहाँ पे जाके ना मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती क्योंकि बेड चेंज हो जाता है, तकिया चेंज हो जाता है, तो मुझे नींद के लिए बहुत दिक्कत होती है। इनफैक्ट अभी इतने साल हो गए हैं ना हम लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हैं, जब हम लोग वेस्ट बंगाल जाते हैं ना चाहे वो मेरा ससुराल हो या मायके हो, जाने के बाद एक दो दिन मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रात को अच्छी नींद के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पे रहते नहीं है ना, तो वहाँ का गद्दा, वहाँ का बेड, वहाँ का पिलो सब कुछ थोड़ा अननोन टाइप का लगता है, तो ऐसा लगता है कि अरे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, फिर दो तीन दिन में वो चीज़ सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन जब तक वो सेटल डाउन होगा तब तक हमारा वापस बैंगलोर आने के लिए टाइम हो जाता है। एनीवेज देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डब्बा वब्बा पैक कर लिया है, मतलब पैक करूँगी, तो यहाँ पे है खाना क्योंकि हम लोग बहन के उधर जा रहे हैं तो खाना हम लोग घर से लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहन हम लोग को खाने नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली हम लोग कुछ अच्छा खासा बना के उसके लिए लेके जा रहे हैं। देखिए हम लोग तो घर पे सब कुछ खाते हैं, यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल है, जो खाने का मन होता है हम लोग खा लेते हैं, लेकिन बहन जहाँ पे रहती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पे इतना अच्छा वैरायटी काइंड ऑफ मछली वगैरह सब्जी ये सब कुछ मिलता नहीं है, तो बहन लास्ट कुछ दिन से बार बार बोल रही थी दीदी मछली खाने का मन हो रहा है, मछली खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सौरभ को बोला ठीक है चलो तुम मछली लेके आओ, जब आज हम लोग जा ही रहे तो क्यों ना उसके लिए मछली लेके जाते हैं, तो मछली मैंने एकदम सब कुछ दोपहर के टाइम पे बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाई है मैंने। ये है सिंपल सा, ये देखिए आलू डाल के कतला माचेर झोल बोलते हैं इसको, ये गर्मा गर्म चावल के साथ खाना बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मैंने पैक कर लिया है यहाँ पे। एक्चुअली ये सारे ना मैंने लंच में बना लिया था, सौरभ बहुत सुबह सुबह चला गया था मछली मार्केट,
और वहीं से लेके आ गया था फ्रेश कतला फिश, क्योंकि आज सैटरडे भी है तो फिश तो एकदम ताज़ी वाली आएगी, तो वहीं से वो सुबह सुबह लेके आया है। तो दीदी जैसे हमारा जो कुक है ना वो मछली बनाती नहीं है, वो खाती भी नहीं है बनाती भी नहीं है, तो दीदी ने बस रोटी चावल भाजी ये सब कुछ बना के चली गई, बाकी मछली का जो आइटम है वो सब कुछ मैंने बनाया। कतला मछली का तो जो हेड है ना वो बहुत बड़ा साइज का आता है, आप लोगों को पता ही है, तो बड़ा साइज का हेड का मैं क्या करूँ, फ्रिज में रख के जाऊँगी तो फिर 2 दिन पुराना बासी हो जाएगा। तो कतला फिश का हेड से मैंने यहाँ पे बना लिया है मुड़ी घंटू, गोविंदभोग राइस होता है उसके साथ कतला फिश का जो हेड है, साथ में मसाले वगैरह घी गरम मसाला सब कुछ डाल के, ये बंगाली लोगों का एक फेमस रेसिपी है मुड़ी घंटू। और यहाँ पे कुछ मछली फ्राई भी ले लिया है, क्योंकि मछली ढेर सारा था और मैं फ्रिज में रख के जाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि सारे मछली ही पका लेते हैं दोपहर के टाइम पे, मैं और सौरभ हम दोनों थोड़ा बहुत खा लेंगे और बाकी हम पैक कर लेंगे, रात को वहाँ जाके हम तीनों मिलके खाएंगे, बस वहाँ पे चावल चढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे है 3 पीस मछली फ्राई, हम तीनों मिलके एक एक पीस खा लेंगे या तो फिर कल भी खा सकते हैं। और रोटी भी मैंने यहाँ से बना लिया है दीदी से ही, ये देखिए रोटी है, थोड़ा सा इसके अंदर ही कुंदरू फ्राई है, तो ये सब कुछ मैं यहाँ यहीं से ही लेके पैक करके जा रही हूँ। और यहाँ पे 2 कोकोनट वाटर है, फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने सौरभ को बोला लेके चलो, गाड़ी में जाते जाते हम लोग पी सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को अभी पैक करना है, मतलब एक पैकेट में अभी लेना है। तो ये है हमारा आज रात का खाना जो कि मैं लेके जा रही हूँ मेरे बहन के लिए प्यार से अपने हाथ से बना के। यहाँ पे देखिए फ्रूट बास्केट आज एकदम से फुल हो गया है काफ़ी दिन बाद। और ये है आम, इस सीज़न का एक्चुअली लास्ट आम ये है। ये आम हमने नहीं ख़रीदा है, जोसना के होम टाउन में यानी आंध्र प्रदेश में उनके घर पे ना आम का बहुत सारे पेड़ है, तो वहीं से ही ये आम वो लेके आई है, मतलब वो जब भी घर जाती है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती है, मैं आप लोग को बताती हूँ ना। तो ये आम इस बार भी वो लेके आई है, इससे पहले भी 1-2 बार उसने मुझे आम भेजी थी बहुत सारा, जो कि मैंने दोस्त लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया था। और इस बार भी देखिए इतना सारा आम है, 10-12 आम है। तो ये ना कुछ कुछ अभी खाने की कंडीशन में है और कुछ कुछ अभी तक पकन है नहीं, तो पकने के लिए रखूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये वाला आम एकदम पक गया है और ये आज हम लोग खा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बंगाली में जिसको बोलते हैं ना गाचपा का आम, यानी पेड़ में ही जो आम पकता है, कोई केमिकल या कार्बाइड वगैरह से नहीं पकाया जाता है, तो ये है वही आम, एकदम गाचपा का आम है। और इसकी जो खुशबू है ना गाइस, कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं, घर पे ये कल से रखा हुआ है, पूरा घर हमारा मैंगो के स्मेल से इतना भर गया है ना। तो बहन के लिए 2-4 आम भी मैं लेके जाऊंगी, बहन है उसके फ्रेंड्स हैं तो सबके साथ मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। लास्ट टाइम भी जब जोसना ने मुझे आम दी थी ना तो बहन के लिए भी लेके गई थी और बहन के दोस्त लोगों के लिए भी मैं लेके गई थी थोड़ा थोड़ा करके, तो इस बार भी मैं लेके जाऊंगी क्योंकि इतना सारा आम तो मैं और सौरभ खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसको अभी रख दूंगी फ्रिज में, ठंडी ठंडी आम ना बहुत अच्छा लगता है खाना। 4 बजे जाना था, 5 बज गया, जल्दी करो यार। लेट हो गया, क्या करूं, बच्चा ट्रैफिक रहेगा ना, बच्चा बच्चा लेके निकलने में टाइम लग जाता है। एनीवेज ये जो तोता मैं लेके जाने वाली थी लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बैग में आ नहीं रहा है, ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा बैग है, ये तो एक खाने पीने का जो सामान इसमें है ये ले लिया है और एक तो तकिया का बैग रहेगा, ये दोनों बैग ही बहुत भारी है, एक तो ये मेरा डायपर बैग, ये तो मैंडेटरी है, ये मैंने पीठ में ले लिया है, और साथ में ये तो एक सबसे बड़ा सामान है ना ये एक जिम्मेदारी का सामान है इसको तो अच्छे से लेना ही पड़ेगा। तो मैं मामा को संभाल रही हूँ और मामा का डायपर बैग, और बाकी सौरभ ये खाने पीने का बैग और तकिया वाला बैग लेके आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली पानी का बॉटल। हाँ मैं हाफ गई हूँ, इतना सौरभ ने जल्दी 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 किया ना, जल्दीबाजी में मैंने एकदम हाफ गई। चलो निकलते हैं। देखिए हमारे नेबर जो है ना वो लोग साउथ इंडियन हैं, तो कितने अच्छे अच्छे रंगोली बनाते हैं, हर एक दिन अलग अलग डिज़ाइन का रंगोली बनाते हैं वो लोग, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। और यहाँ पे दरवाजे के बिल्कुल बगल में एक कटोरी में ना, यहाँ पे कटोरी तो नहीं है एक्चुअली, मिट्टी का बर्तन है, बर्तन में फूल डालते हैं पानी में, बहुत सुंदर लगता है। फाइनली निकल पड़े हैं हम लोग, और ये देखिए मामा तो आज सोई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस टाइम पे उसको उठा के हम लोग रेडी करके लेके आए थे ना वो सो रही थी, उसको उठा के ही हम लोग लेके आए हैं, तो उसकी नींद भी पूरी हो गई है इसलिए आज वो एकदम से जागी हुई है और पीछे ये हमारा एकदम बोरिया बिस्तर सब कुछ पैक्ड है, यूजुअली डिक्की में रखते हैं लेकिन आज बैक सीट में ही रख दिया, चलो ठीक है पीछे तो खाली है। बादल देखिए गाइज क्या खतरनाक बादल आई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जस्ट अभी बारिश आने ही वाली है, खतरनाक खतरनाक।
एनीवेज आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ से खाना वाना बना के ले जाने का क्या ज़रूरत है, हम लोग तो उधर जाके भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, यूजुअली हम लोग उधर जाके ही सब कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना सामान बहुत कम है पता है। एक तो वो मतलब अकेली ही रहती है ना, तो इतना खाना पीने का उसका एक ही टाइम का खाना पीना होता है घर पर बना के, वो है डिनर। बस वो डिनर ही सिर्फ घर पर बना के खाती है, बाकी सुबह के टाइम पर तो सिर्फ चाय या कॉफ़ी पी के कॉलेज चली जाती है, और लंच तो वो कॉलेज कैंटीन में ही कर लेती है। रात को घर आके फिर फ्रेश व्रेश होके रात को डिनर बनाती प्रॉपर। तो उसके पास ना सामान बहुत ही कम है, जैसे कि बर्तन वगैरह बहुत कम है, जितना है मैंने ही उसको दिया है मैक्सिमम बर्तन, और कुछ कुछ उसने खरीदा भी है, और चूल्हा भी उसके पास ना सिंगल चूल्हा है, मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ जाके। तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड सब कुछ है, जिस वजह से ना इतना खुल के हम लोग ये वो वहाँ पे बना नहीं पाते, मसाला वगैरह सब कुछ मतलब लिमिटेड उसके पास है, उसको जितना ज़रूरत है वो उतना ही मंगवा के रखी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर बार तो वहाँ पे जाके ही बनाते हैं, और सिंगल चूल्हा में ना इतना सब कुछ एक साथ बनाना बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ही बना के लेके चलते हैं। वैसे भी हमें तो लंच में बनाना ही था, तो मैंने सोचा एक बारी में ही बना लेते हैं, हम लोग दोपहर के टाइम पे थोड़ा खा लेंगे और बाकी वहाँ पे रात को एक साथ हम लोग खा लेंगे, तो रात को हमें डिनर बनाना नहीं पड़ेगा, गप्पे वप्पे कर सकते हैं, थोड़ा हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या है मम्मा, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टू सी मी मम? मम्मा ना बहुत दिन बाद एक्चुअली निकली है आज तरह घूमने के लिए, तो वो भी सोच रही है कि क्या हो गया भाई, इतने दिन से मुझे घर पे रखा हुआ था इन लोगों ने, मैं तो बस सीलिंग और फैन ही देख रही थी और तो कुछ देख नहीं रही थी, अचानक से इतना पेड़ पौधा बाहर, बिल्डिंग बड़े बड़े, लाइट आसमान बादल, क्या हो रहा है मेरे साथ, इसलिए वो थोड़ी सी अभी कन्फ्यूज्ड है। तो चलिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा, बट हाँ ऑलमोस्ट मतलब आधा से ज़्यादा रास्ता तो अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं। जब घर से निकले थे उस टाइम पे टाइम हो रहा था 5:10, और अभी देखिए 7:10 हो गया है, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है, बस और 5 मिनट का ही रास्ता है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। आसमान देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, बहन के घर के इस साइड में भी ना क्लाउड है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आसमान दिखने में अच्छा भी लग रहा है, और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। बीच में ना पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ना उल्टी जैसा फील आ रहा था, कभी भी नहीं होता है मुझे ऐसा, लेकिन आज अचानक से उल्टी सा फील आ रहा था, पता नहीं शायद भूख लगी है हल्की हल्की सी, इस वजह से भी हो सकता है। तो सौरभ ने बोला कि शीशा थोड़ा सा डाउन कर लो, तो मैंने शीशा डाउन कर लिया था, तो फिर जाके थोड़ी सी रिलीफ मिली। उस टाइम पर मैंने देखा बाहर इतनी अच्छी एकदम ठंडी सी हवा चल रही है, शीशा उठाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वही ना मतलब यहाँ का तो समझ ही सकते, इतना ज़्यादा गाड़ी वगैरह लगातार हॉर्न बजाते हैं, साथ में पॉल्यूशन ये वो, तो मामा है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, तो मैंने फिर से विंडो बंद कर दिया और एसी चला दिया था। अदरवाइज मन हो रहा था कि थोड़ी देर खिड़की खोल के ही रखूँ, फ्रेश हवा लूँ, लेकिन फ्रेश तो है नहीं हवा, पॉल्यूशन से भरा हुआ हवा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखिए मामा सो गई है, ये देखिए बीच में एक बार उठी थी वो, तो मैंने उसको फीड करवा दिया गाड़ी में ही, और अभी वो फिर से सो गई है, एक उंगली मुँह में डाली है, उंगली शक करते करते सो गई। और मैं और सौरभ हम दोनों गाना वाना सुनते सुनते मस्त जा रहे हैं, हमारा है ना 2 घंटा लग गया। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर से बहन का घर बहुत दूर है, यूजुअली टाइम लगता है 1.5 घंटा ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक वगैरह सब कुछ लेके ना कभी कभी 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग जाता है, लेकिन जब हम लोग रिटर्न करते हैं ना, यूजुअली हम लोग रात को मतलब डिनर वगैरह ख़त्म करके रिटर्न जाते हैं हमारे घर, तो उस टाइम पे एकदम टाइम नहीं लगता, हम लोग 1 घंटा में पहुंच जाते हैं, मतलब आप सोचो अभी कितना ट्रैफिक होगा शाम के टाइम पे। सौरभ बोल रहा था कि 4 बजे तक हमें निकल जाना है, तब मतलब जो पब्लिक क्राउड है वो होने से पहले, लेकिन वही बच्चा अच्छा लेके निकलते निकलते 1 घंटा लेट ही हो गया हमारा, 5 बजे निकले हैं, अभी 7:10 हो रहा है, अभी तक पहुँचे नहीं, बस अभी और 5 मिनट का ही रास्ता है, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। आ तो गए हैं हम लोग बहन के फ्लैट के गली में, लेकिन बहन अभी तक नीचे क्यों नहीं आई, ये वाला बिल्डिंग है उन लोगों का, लेकिन मैं तो उसको बोली थी नीचे आने के लिए, नीचे आई नहीं। ये देखिए आते ही उसको ले लिया है गोदी में। सामान कर दिया, सामान अभी मैंने गैरेज कर दिया है मिमिन के पास, मासी मामा ये सब होने का ना ये एक फ़ायदा है। हीरे कारकले, हाँ किसके गोदी में हो तुम, कि दारुण हवा चलते ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है, हाँ क्योंकि पेड़ पौधा इतना ज़्यादा है ना, आसमान देखिए गाइस क्या खतरनाक दिख रहा है। तो गाड़ी यहाँ पे, हाँ ऊपर से भी व्यू दिखाऊंगी, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है, और मामा को तो बहन ही संभाल रही है, तो चलिए मैं और सौरभ लगेज जो है वो अभी ऊपर लेके चलते हैं। बहन रहती है 5th फ्लोर पे। सोच के मुझे रोना आती है कि इतना चल के जाना पड़ेगा,
ये लोग तो जैसे अभी भी मतलब बच्ची है ना, कितने बार ऊपर नीचे कर लेते हैं, उन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा आदत छूट गया है ना सीढ़ी चल के ऊपर नीचे करना, तो हमें तकलीफ होता है, लिफ्ट का एक आदत पड़ गया है, और इनके यहाँ पे लिफ्ट है नहीं। यहाँ पे सब अच्छा है, बस वही एक ही प्रॉब्लम, लिफ्ट का इशू। ओनर को बोलो एक लिफ्ट लगाने के लिए। ओनर बोलेंगे कि तुम लोग छोड़ दो बहुत लोग हैं इधर, कोई भी फ्लैट में है लिफ्ट नहीं। हाँ एक्चुअली यहाँ पे ये सारे ना इंडिविजुअल हाउस ही है, पता है, तो इंडिविजुअल हाउस में ही मैक्सिमम सब स्टूडेंट को ही रेंट पे रखे हैं। ये पूरा एरिया ही स्टूडेंट का ही है, स्टूडेंट की वजह से ही ये पूरा एरिया यहाँ पे चलता है। तो एक भी बिल्डिंग में लिफ्ट है नहीं, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर तक भी है, लेकिन कहीं पे भी लिफ्ट नहीं है, सब लोग सीढ़ी से ही ऊपर जाना आना करता है। तो मैंने ये मामा का डायपर बैग ले लिया है, यहाँ पे जो खाने पीने का सामान है ये ले लिया है, और सौरभ अभी तकिया का जो बैग है वो निकाल रहा है। ठीक है चलिए एक काम करते हैं, आज इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई होप कि ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा, और नेक्स्ट जो ब्लॉग है ना वो अभी इसी वक्त यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बाकी का डिटेल्स देखने के लिए कल का ब्लॉग देखना, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।